हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम मेडिएवल इंडिया से आपके लिए मुगल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और वो प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति। जेपीएससी सिलेबस में मध्यकाल में मुगल से जुड़ा हुआ कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति को हम लोग आज समझने का काम करते हैं। आराम से इसको सुनिए, कुछ जरूरत की चीजों को नोट कर लीजिए, आपका आंसर बड़ी आराम से निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। मध्यकाल के भारत को अगर हम लोग ध्यान दें, उन परिस्थितियों को याद करें, तो हम ये पाते हैं कि भारत में इस्लाम के आगमन के बाद से ही हिंदुओं ने उनको स्वीकारने का काम नहीं किया था और भारत में धर्म जो है वो सामाजिक विघटन का कार्य हमेशा से ही करता रहा है। अकबर एक यथार्थवादी शासक था। वह भारत का जो सामाजिक परिस्थिति था, भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उसके बीच जो पेचीदगी बना हुआ था उसको भली भांति समझने और जानने का काम किया और ये महसूस किया कि भारत में अगर अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना है, साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान करना है, तो हिंदुओं और खास करके राजपूतों को अपने साथ मिला करके रखना होगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अकबर ने अपनी धार्मिक नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। अकबर ने अपने धार्मिक नीति में जिस प्रकार से सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाया, उसके कारण से धीरे धीरे ये धर्मनिरपेक्षता के सर्वोच्च शिखर पर जाकर के पहुंच गया। तो एक यथार्थवादी शासक मध्यकाल के सामाजिक राजनीतिक पेचीदगी को समझना और ये मान के चलना कि बिना हिंदुओं के समर्थन के आगे साम्राज्य को न बढ़ाना संभव हो पाएगा, न उसको अस्थायित्व तो देना संभव होगा, अकबर ने अपने धार्मिक नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। अकबर के धार्मिक नीति के पीछे उस दौर की परिस्थितियां और उसका व्यक्तिगत जो स्थिति था वह भी जिम्मेदार थे। अगर हम लोग व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। मतलब है कि हिंदू राजपूत राजा के घर में अकबर की पैदाइश हुई थी, अकबर का जन्म हुआ था। तो एक तो उसकी जन्म की परिस्थितियां, उसके पिता हुमायूं एक उदार सुन्नी मुसलमान थे, माता हमीदा बानो बेगम ये सिया मुसलमान थी। अकबर का शुरुआत का आप संरक्षक याद करें बैरम खां भी सिया मुसलमान था। और इसके अलावा अकबर के जो गुरु थे अब्दुल लतीफ भी अत्यंत ही उदार विचारों के व्यक्ति थे, जिनका कि अकबर के जीवन पर व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और अब्दुल लतीफ से ही अकबर ने सुलह ए कुल का सिद्धांत अपनाया था, जो उसके धर्म का मूल तत्व था। सुलह ए कुल का मतलब हुआ विश्व जनित शांति, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि हर धर्म के प्रति सहिष्णुता, सद्भाव और सम्मान। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया, जो उसने अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखी थी। इसका मतलब होता है प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता, सद्भाव और सम्मान। तो ये परिस्थितियां थी। इसके अलावा जो 16th सेंचुरी था, वैश्विक रूप से ये जो काल था ये धार्मिक पुनरुत्थान का काल माना जाता है, तो ये परिस्थितियां भी थी। भारत में राजनीतिक तौर पर साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना, उसको विशालता देना, ये तभी संभव था जब धार्मिक नीतियों को उदार बनाया जाए, धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए। और अकबर यथार्थवादी था, जैसा कि मैंने कहा, और वो ये बात भली भांति समझता था कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं और ऐसी स्थिति में
यहां कोई इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। अकबर सल्तनत काल में जो समस्याएं उभर करके सामने आई थी, सुल्तानों के सामने जो परिस्थितियां होती थी, लगातार जो विरोध और विद्रोह होता था, उसके पीछे की स्थितियों को भी समझ रहा था और इन्हीं बातों ने अकबर को एक विशिष्ट धर्मनिरपेक्ष धार्मिक नीति के लिए प्रेरित किया। तो अकबर के धार्मिक नीति के पीछे ये कारण था। अकबर का जो धार्मिक नीति था ऐसा नहीं था कि जो धर्मनिरपेक्षता का नीति अल्टीमेटली सामने आया वो कोई ऑल ऑफ सडन आ गया था, बल्कि उसका जो धार्मिक नीति था ये तीन चरणों में आगे बढ़ता है। पहले फेज में 1562 से लेकर के 74 तक का जो काल है इसमें उसकी धार्मिक नीतियां सामने आती हैं। इस समय या इस काल को हम लोग बोले कि धार्मिक विचारों में परिवर्तन का काल, ये जो उसके धार्मिक विचारधारा का पहला चरण है जो 1562 से लेकर के 74 तक जाता है, इसमें उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन आ रहा है। पहले इसी को हम लोग समझ लें कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं या इसमें आपको लिखना क्या है। तो अकबर जब सत्ता पर बैठता है, आप सब जानते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में 1556 में उसने सत्ता संभाली थी, तो शुरुआत में अकबर को राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्वता हासिल नहीं थी। वो शासन के जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको भली भांति नहीं समझता था, तो शासन के विषय में कम ज्ञान होना, राजनीति की बहुत समझ नहीं होना, ऐसी स्थिति में शुरुआत में अकबर के ऊपर बैरम खान और माहम अनगा का गहरा प्रभाव था और इनके प्रभाव में आकर के वो परंपरावादी इस्लामिक जो धर्म था उसके अनुरूप काम करता था। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा उसके चरित्र में धार्मिक रूप से कट्टरता थी, वो मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म का कट्टरता से पालन करता था, परंपरावादी सिद्धांतों पर चलता था, उसमें रूढ़िवादिता के तत्व विद्यमान थे। लेकिन इसी दौर में अकबर धीरे धीरे बड़ा होता है, वयस्क होता है, राजनीतिक तौर पे उसकी समझ बढ़ती है और अकबर को अब चूंकि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना था, अपने साम्राज्य को न सिर्फ आगे बढ़ाना था बल्कि उसको अस्थायित्व प्रदान करनी थी, और ये जो स्थिति थी ये तभी संभव था जब वो भारत में रहने वाले अन्य धर्मावलंबियों खास करके हिंदुओं का समर्थन हासिल करे। इस स्थिति में उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन करना शुरू किया और इस परिवर्तन के फलस्वरूप अकबर ने पहले चरण में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया, जो कि धर्मांतरण का एक बड़ा ही सरल और सहज तरीका था। तो सबसे पहले उसने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, साधु सन्यासियों को अपने साथ जोड़ने का, समाज के एक बड़े वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का उसने सिद्धांत बनाया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। और फिर एक बड़ा कदम उठाते हुए उसने 1562 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर से मुगलों को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी। जाहिर सा बात था कि जजिया को समाप्त करने से अर्थव्यवस्था की, राजस्व की हानि होती, इस बात को लेकर के जो कट्टर इस्लामी परंपरा के लोग थे उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन लोगों ने अकबर का बहुत विरोध भी किया था, लेकिन अकबर ने अपने इन नीतियों के माध्यम से भारत में समानता के तत्व का बीजारोपण कर दिया और धार्मिक आधार पर इस तरह की जो असमानताएं विद्यमान हो सकती थी उसको उसने समाप्त करने का काम किया। तो पहले चरण में अकबर ने ये तमाम कार्य करने का जो प्रक्रिया था उसको पूरा किया। अब देखें इसका दूसरा फेज, 1575 से लेकर के
79 तक के फेज में जाता है। अकबर के विषय में कहा जाता है कि वो प्रारंभ से ही धर्म के विषय में जानने का उत्सुकता रखता था, जिज्ञासा रखता था, और उसकी इसी धार्मिक जिज्ञासा के कारण वो विभिन्न धर्मों के लोगों के संपर्क में आया, साधुओं के संपर्क में आया, सूफियों के सन्यासियों के संपर्क में आया, और इस तरीके से उसने धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया। धर्म को समझने के क्रम में ही उसने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। ठीक है, 1575 में धर्म के विषय में जानने के लिए उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। इस इबादत खाने ने प्रारंभ में इस्लाम धर्म से संबंधित जो विद्वान थे उनको ही आमंत्रित किया गया, और बृहस्पतिवार की रात को, मतलब जुमेरात जिसको बोलते हैं, उस रात को धर्म के ऊपर चर्चा होता था। शुरुआत में जो लोग इस इबादत खाने में इस्लाम धर्म के विद्वान के तौर पर आए उसमें प्रमुख नाम है शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी और मुल्ला अब्दुल्ला, ये दोनों धार्मिक रूप से कट्टर उलेमा थे। धीरे धीरे अकबर इनके संपर्क में रह करके बोरियत फील करने लगा, मतलब कि उसको इसमें अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं लग रही थी कट्टरपंथी और रूढ़िवादी उलेमाओं के साथ गुजारते हुए। तब उसने इबादत खाने में उदार विचारधारा वाले विद्वानों को बुलाना शुरू किया, जिसमें फैजी अबुल फजल दोनों भाई हैं आप जान रहे होंगे, और साथ ही साथ इनके पिता शेख मुबारक, इनको बुलाने का काम किया गया। तो 1575 में उसने अपने दूसरे फेज में इबादत खाने का निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में, और शुरुआत में परंपरावादी इस्लामिक स्कॉलर को, उलेमा को बुलाया, जिसमें शेख अब्दुल नबी और मुल्ला अब्दुल्ला जैसे लोग प्रमुख थे। लेकिन धीरे धीरे वो अपने धर्म के विषय में जो बातें इनसे सुन रहा था उससे उबने लगा, और तब उसने उदार विचारों से संबंधित विद्वान फैजी अबुल फजल और शेख मुबारक आदि को बुलाना शुरू किया। और फिर उसने अगले कदम के तौर पर, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ये नाम नोट कर लिख सकते हैं आप, शेख अब्दुल नबी मुल्ला अब्दुल्ला। इसके बाद उसने 1578 में, आप सब जानते हैं कि इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अब इस इबादत खाने में हिंदू धर्म के लोग आ रहे थे, जैन आ रहे थे, पारसी धर्म के लोग आ रहे थे, और साथ ही साथ उसने गोवा के पादरियों को भी बुलाने का इबादत खाने में काम किया। हिंदू विद्वानों में जरूरत पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको। हिंदू विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी को बुलाया गया। हिंदू विद्वानों के संपर्क में आकर के उसने जीव के आवागमन के सिद्धांत को सीखा। जैन धर्म में जो विद्वान बुलाया गया उसमें हीरा विजयसूरी, जीन चंद्रसूरी, जीन प्रभासूरी, ये नाम आते हैं, इनके साथ रह करके उसने अहिंसा के नीति में विश्वास करना शुरू किया। पारसी में, पारसी विद्वान में दस्तूर जी बेहर जी को उसने बुलाया, और इनके संपर्क में आकर के महद में जो अग्नि प्रज्वलन की प्रक्रिया थी उसको शुरू किया। गोवा से पादरियों को भी बुलाया गया, हालांकि ईसाई धर्म से संबंधित बातों को पादरी उन तक पहुंचाने में बहुत सफल नहीं रहे और बहुत प्रभावित अकबर नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके चार स्थानों पर इन ईसाई पादरियों को अकबर ने चर्च बनाने की अनुमति दी थी, हुगली, लाहौर, कैम्बे और आगरा में। खैर, ये सभी धर्म के संपर्क में आने के बाद अकबर को अपने धर्म की कई सारी जो अज्ञानताएं थी वो दूर हो गई, और वो ये मानने लगा कि इस धर्म की जो सत्यता है वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है बल्कि सभी धर्मों के अंतर्गत है। अकबर के इन कार्यों से जब वो अन्य धर्म के लोगों को बुला रहा था
तो जो कट्टर उलेमा वर्ग के लोग थे, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, अब्दुल नबी, मुल्ला अब्दुल्ला, ये लोग कहीं ना कहीं अकबर से नाराज हो रहे थे। नाराजगी के पीछे कारण ये था कि अकबर उनके रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विचारों से सहमत नहीं था। अब सहमत क्यों नहीं था, इसके पीछे जो कारण है वो राजनीतिक है। मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि अकबर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, उस विशाल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना चाह रहा था, और ऐसा करने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को साथ में लेकर के चलना अकबर की राजनीतिक मजबूरी तो थी ही। व्यक्तिगत रूप से भले ही वो बातें अपने जगह थी कि उस दौर का वातावरण था, हिंदू राजा के यहाँ जन्म हुआ था, उसकी पत्नियां भी हिंदू थीं, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन इन सबसे ऊपर अकबर के लिए एक मुसलमान होने से पहले शासक होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंतर्गत वो इस्लाम धर्म को मानता था, मतलब कि एक व्यक्ति के तौर पर वो इस्लाम धर्म को मानता था, लेकिन उससे पहले वो एक शासक था और एक शासक के जो भूमिका होती है उसको वो निभाना चाहता था, और ऐसा संभव था एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना से सबके साथ समानता का व्यवहार करके। लेकिन अब्दुल नबी और मुल्ला अब्दुल्ला जैसे लोग इन चीजों को पूरा करने में अकबर के कार्य में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए अन लोगों को बुलाने लगा, जिसके कारण से वो विरोध करने लगे। ऐसे विरोधों पर लगाम लगाने के लिए अकबर ने क्या किया कि पहले तो 1579 में उसने इबादत खाने को बंद कर दिया। दरअसल यहां पर भी एक घटना इसके पीछे जिम्मेदार है। अब्दुल नबी ने एक शिया मुसलमान को मरवा दिया, साथ ही साथ मथुरा के एक ब्राह्मण को भी उसने मरवाने का काम किया। तो धर्म को लेकर के जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, ऐसी स्थिति में अकबर ने यह बेहतर समझा कि इबादत खाने को बंद कर दिया जाए, और उसने इबादत खाने को बंद कर दिया। लेकिन धर्म पर अपना वर्चस्व और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए यह आवश्यक था कि धार्मिक मामलों में अकबर अपनी पकड़ को बढ़ाए, अपनी स्थिति को मजबूत करे। इसीलिए 26 जून 1579 को उसने फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद से स्वयं खुतबा पढ़ा, मतलब कि धर्मोपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया और धर्माचार बन गया, मतलब धर्म का आचार्य बन गया। अब जब उसने खुतबा पढ़ा तो फिर जो कट्टरपंथी थे उन्होंने निश्चित तौर पे हल्ला हंगामा किया होगा। तो अकबर ने पहले तो इस प्रक्रिया में फतेहपुर सिकरी के जामा मस्जिद से खुद को इमाम घोषित किया, धर्म का प्रधान घोषित किया और खुतबा पढ़ा, जो अल्लाहु अकबर से प्रारंभ हुआ। और फिर इसके बाद विवाद की स्थिति बढ़ी, तब अकबर ने सितंबर 1579 में फतेहपुर सिकरी से ही उसी जामा मस्जिद से महजर की घोषणा की। महजर को अमोघत्व भी कहते हैं, अमोघत्व भी कहते हैं। इसको फैजी और अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था, ठीक है, महजर की घोषणा की। अब सवाल ये उठता है कि महजर क्या होता है, तो महजर का अर्थ ये हुआ कि इस्लाम धर्म के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो तो भारत में उस समस्या का अंतिम व्याख्याता बादशाह अकबर होगा, मतलब धार्मिक मामलों में अकबर ने इस महजर या अमोघत्व के द्वारा खुद को सुप्रीम पावर घोषित कर दिया। अब धर्म पर अंतिम व्याख्या का अधिकार अकबर या बादशाह के हाथ में था, लेकिन यहां एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसने ये शक्ति अपने हाथ में ली कि धर्म की व्याख्या हो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन अपने हिसाब का मतलब यह है कि उसकी धार्मिक व्यवस्था कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती थी, मतलब कुरान के हद में रह करके और वो महजर या अमोघत्व की घोषणा करता था, ठीक है। तो ये महजर का अर्थ हुआ, तो ये पूरा पावर उसने अपने हाथ में ले लिया। इस कारण से भी इसकी निंदा हुई, पहले तो ये जाने कि उलझले हैं,
इतिहासकार हैं उल्जिले हेग और इसके अलावा विंसेंट स्मिथ, इन लोगों ने पहले तो इस महजर को अचूक आज्ञा पत्र कहा, अचूक आज्ञा पत्र, इसको अंग्रेजी बोलते हैं इनफैलिबिलिटी डिग्री, मतलब कोई ऐसा आज्ञा पत्र जो चूके नहीं, इनफैलिबिलिटी डिग्री कहा। साथ ही साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि अकबर बादशाह और पोप दोनों ही बनना चाहता था, अकबर बादशाह और पोप दोनों ही बनना चाहता था। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, इतिहासकार की इन्होंने किताब था भी लिखा है, ये अकबर के धार्मिक नीतियों का घोर विरोधी थे और उसके धार्मिक नीतियों के संदर्भ में एक पूरा का पूरा सूची बना के रखा था जिसमें अकबर के धर्म का विरोध किया गया था। लेकिन कहीं भी अकबर ने न तो किसी प्रकार के इस्लामिक त्योहार को रोका, न उसने कुरान की आलोचना की, न पैगंबर साहब के सम्मान से हट करके किसी प्रकार की बात की, न रोजा न हज, उसने किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाया। ठीक है, वो बिल्कुल कुरान में रहते हुए ये सारा काम कर रहा था। लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी कट्टर मुसलमान थे, अकबर के इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं इन लोगों का जो प्रशासन में वर्चस्व था वो कम हो रहा था और इस कारण से वे लोग अकबर का विरोध कर रहे थे, जबकि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा था। तो ये अकबर का दूसरा फेज था। अब इसका जो तीसरा फेज है वो शुरू होता है 1579 के बाद से लेकर के जीवन के अंत तक, मतलब कि 1605 तक। इस पूरे दौर में अकबर ने पूर्ण सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य की स्थापना की जिसमें किसी प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। इसी दौर में 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही की घोषणा की। अकबर ने दिन ए इलाही की घोषणा की जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। ठीक है, इसको तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। और ये जो दिन ए इलाही था ये 16 एकुल, जो शुरुआत मैंने बताया था कि अकबर ने अब्दुल लतीफ से ये चीजें ग्रहण की थी, 16 एकुल के सिद्धांत पर आधारित था। और 16 एकुल का मतलब है दैवीय एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है। ठीक है, इस रूप में या दिने इलाही के माध्यम से वास्तव में अकबर अपने व्यक्तिगत और राजनैतिक इच्छा को पूरा करना चाह रहा था। दिने इलाही के द्वारा अकबर अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक इच्छा को पूरा करना चाह रहा था। कैसे? व्यक्तिगत तौर पर वो उदार था, परिस्थितियां जिम्मेदार थी। राजनीतिक तौर पर राज्य को अस्थायित्व तो देना, उसको विशालता देना, और यह संभव नहीं था बिना सभी लोगों के सहयोग के। तो दीने इलाही के माध्यम से वो अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक इच्छा की पूर्ति कर रहा था। दरअसल अकबर चाहता था कि उसके साम्राज्य में रहने वाले सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एकजुट हो, एक सूत्र में बंधे, और एक सूत्र में अगर वो बंध जाते हैं तो इसका अल्टीमेटली जो लाभ होगा, जो अंतिम रूप से लाभ होगा, वो मुगल साम्राज्य को होगा। तो सबको एक सूत्र में बांधना अकबर का एक उद्देश्य था। साथ ही साथ दीने इलाही के माध्यम से अकबर अपने पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा करके स्वयं को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। दीने इलाही के माध्यम से वो खुद को, अपना पद को बढ़ाना चाहता था और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खुद को प्रदर्शित करना चाहता था। इसका मतलब ये होता कि लोगों का अकबर के ऊपर आस्था, उनका विश्वास, उनकी निष्ठा बढ़ जाती,
देखिए लोग अकबर का और सम्मान करने लगते और इन सब का फायदा ये होता कि अकबर अपने साम्राज्य को एकजुट रख पाता। तो दीने इलाही के पीछे उद्देश्य यही था। और जो दैवीय एक ईश्वरवाद या फिर ये कहें हम लोग कि दीने इलाही के माध्यम से वो खुद को अपनी प्रजा का सर्वश्रेष्ठ शासक के तौर पर प्रदर्शित कर रहा था और इसीलिए उसने खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया। अब अगर हम लोग ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करने वाली बात देखें तो ऐसा नहीं था कि अकबर ने कोई पहले या पहली बार ऐसा काम किया हो। अगर प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो सम्राट अशोक के साथ भी था, देवानाम प्रिय प्रियदसी, देवताओं के प्रिय। मध्यकाल में जाए या पूर्व मध्यकाल में जाए तो आप याद कीजिए बलबन को, जिल्ले अल्लाह नियावते खुदाई, ठीक है। तो इसी तरीके से अकबर ने भी धर्म के साथ ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर खुद को जोड़ने का प्रयास किया। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता का समर्थन प्राप्त करना था और इसके माध्यम से वो अपने साम्राज्य को एकीकृत और एकजुट रखना चाहता था। दीने इलाही की प्रक्रिया जो थी वो अत्यंत सरल थी, किसी के लिए भी था। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म को मानता हो अपने धर्म के साथ साथ दीने इलाही को भी एडॉप्ट कर सकता था, उसको अपना सकता था। और इसके लिए रविवार के दिन बादशाह से दीक्षा लेनी होती थी, ठीक है। कुछ ऐसे काम थे जो बेसिकली सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ था, विधवाओं से विवाह करने की बात थी, शराब पर प्रतिबंध लगाने की इसके माध्यम से बात थी, ठीक है, वृद्ध महिलाओं और बच्चियों से विवाह पर रोक का बात था, जीवित रहते श्राद्ध देने की बात थी। तो खैर ये दीने इलाही की प्रक्रिया थी। लेकिन दीने इलाही को अकबर ने किसी के ऊपर जबरन थोपने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रमुख हिंदुओं में देखें तो बिरबल के अलावा किसी ने भी इस धर्म को नहीं अपनाया। यहां तक कि अकबर के सगे संबंधियों ने भी दीने इलाही को अपनाने से इनकार कर दिया। राजा मान सिंह जो अकबर के इतने करीबी थे उन्होंने भी इसको नहीं अपनाया और अकबर ने किसी के ऊपर इसको थोपने का प्रयास भी नहीं किया। खैर तो दीने इलाही बहुत कामयाब भी नहीं हुआ, बहुत आगे भी नहीं गया। लेकिन दीने इलाही का उद्देश्य कमोबेश वही था जो कि अशोक ने धम्म की नीति के माध्यम से किया था। मतलब इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक था, यह भी एक आचार संहिता थी, एक जीवन शैली थी और इसके माध्यम से अकबर भी अपने साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों को एकजुट करना चाहता था, एकीकृत करना चाहता था और इसके माध्यम से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साम्राज्य को एकीकृत रखना चाहता था। तो खैर दीने इलाही अकबर का अपना सोच था जो कि राजनीतिक उद्देश्य से ही प्रेरित थी। विंसेंट स्मिथ ने इस संदर्भ में भी एक बात कही है कि दीने इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि बेवकूफी का नमूना था, उसका प्रतीक था। तो अकबर की धार्मिक नीति विभिन्न चरणों से गुजरती हुई आगे पहुंचती है। अकबर ने शुरुआत में कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाया जब वो बैरम खां और महामहंगा के संपर्क में था, लेकिन यथार्थ को समझते हुए साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की नीति की ओर आगे कदम बढ़ाया। धर्मनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुए, सभी धर्मों के संपर्क में आया इबादत खाने के माध्यम से और अल्टीमेटली दीने इलाही तक पहुंचा। और अकबर ने अंततोगत्वा एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया जहां की अल्पमतवादी, मतलब कि मुस्लिम अल्पमतवादी जो धर्म के लोग थे उनकी विचारधारा को जो बहुसंख्यक मतलब हिंदुओं पर थोपा जाता उससे मुक्त कर दिया। अकबर के इस धार्मिक नीति को भारत के तत्कालीन समाज के लोगों ने पूरे मन से स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया और अकबर का इसमें साथ दिया और अकबर का जो राजनीतिक उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति भी संभव हुई। जब तक अकबर के इस धार्मिक नीति को धर्मनिरपेक्ष नीति को मुगलों ने आगे बढ़ाया, मुगल साम्राज्य जो था वो इंटैक्ट रहा, अखंड रहा, एकीकृत रहा, एकजुट रहा, विद्रोहों की संभावना भी कम होती रही। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के काल तक हम लोग पहुंचते हैं धार्मिक नीतियों में परिवर्तन होता है और फिर जो व्यवस्था होती है वो विद्रोह की शुरू होती है, ठीक है। तो खैर औरंगजेब के टाइम में क्या परिस्थितियां थी, क्यों विद्रोह हुआ, अच्छा था बुरा था,
औरंगजेब जिम्मेदार था नहीं था, ये बातें हम जब औरंगजेब की धार्मिक नीति बताएंगे तब आपको बताने का काम करेंगे। तो इसमें अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में मैंने बताया, आराम से इसको धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और अल्टीमेट इसका जो कंक्लूजन होगा वो था कि ये राजनीति से प्रेरित था, धर्म तो था नहीं। जैसा कि मैंने धर्म में बताया था, अगर आपने देखा है तो धर्म के जो आवश्यक तत्व होते हैं, एक पैगंबर होना चाहिए था, एक प्रवर्तक होना चाहिए था, एक पुरोहित होना चाहिए था। हालांकि शुरुआत में अबुल फजल इसके पुरोहित बने, ये भी आप जानते होंगे पीटी पढ़ने के दौरान, लेकिन इसका कोई पवित्र स्थल नहीं था। मतलब धर्म के जो चार आवश्यक एलिमेंट होते हैं जो मैंने धर्म में बताया था, चार पी, वो यहाँ नहीं था। तो ये कोई धर्म भी नहीं था, जैसा कि बताए ये एक आचार संहिता थी, लोगों को एकजुट रखने की प्रक्रिया थी। चलिए इतनी बातें ही अकबर के धार्मिक नीति में। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे जिसमें संभव है कि हम औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी इसी के बाद बना दें आपके लिए मिडिवल इंडिया। बहुत सारे लोग इंडियन इकोनॉमी पर वीडियो बनाने की बात कर रहे हो, मेरा सब्जेक्ट है, हम आगे बनाएंगे उस पर और बहुत जल्द लेकर के आएंगे। लेकिन थोड़ा हम चाह रहे हैं कि एंशियंट मिडिवल और पॉलिटी जो हम शुरू किए थे फिलहाल, उस पर कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप तक हम पहुँचा सके, ताकि जिन लोगों का भी एंशियंट और मिडिवल है वो करने की स्थिति में आ जाए, उसको सॉल्व कर सके। चलिए मिलते हैं फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो काम भी कर लीजिए। मिलते हैं।